हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और खुश हो गए। चलिए, मैं नवनीत रंजन स्वागत करता हूँ आपके मैथ मित्रा के चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा स्टैटिक्स के मोड पे रिलेटेड। हमने पिछले दो वीडियो में मीन के बारे में जाना, मोड मीडियन के बारे में जाना, और आज हम लोग यहाँ पे मोड पे मोड के बारे में बात करेंगे। मोड ग्रुप डाटा में मोड को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम लोग आसान तरीके से मोड को फाइंड करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और इसी वीडियो में आप लोग यहाँ पे इम्पेरिकल फार्मूला के बारे में जानिएगा, और इम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिर हमारा जो वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। मोड होता क्या है? मोड वो वैल्यू होता है जो किसी फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा लार्जर हो, यानी किसी भी फ्रीक्वेंसी में जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा मोड होता है। आइए हम लोग मोड के बारे में जान गए। अब हम लोग जब भी मोड फाइंड करेंगे तो हम लोग को मॉडल क्लास के बारे में पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा कि जब आप मीडियन के बारे में पढ़ रहे थे, मीडियन निकालना सीख रहे थे ग्रुप डाटा में, तो हम लोग वहाँ पे सबसे पहले मीडियन क्लास के बारे में जाने। यहाँ पे हम लोग मोड निकालना है तो मॉडल क्लास के बारे में जानेंगे कि मॉडल क्लास होता क्या है। तो मॉडल क्लास क्या होता है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस क्लास के पास, जिस क्लास में क्लास हैविंग जो मैक्सिमम, जिस क्लास के पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वही क्लास मॉडल क्लास कहलाता है। यानी शुद्ध भाषा में बात किया जाए तो जिस भी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर होगा यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा मॉडल क्लास होगा। आइए हम मीडियन के फॉर्मूला को देखते हैं, तो सॉरी मोड के फॉर्मूला को देखते हैं। तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू एफ के माइनस एफ के माइनस वन। एफ के माइनस वन क्या है, एफ के प्लस वन क्या है, एफ के क्या है, इन सब चीजों के बारे में समझते हैं। तो एल कहीं कहीं आपको इस एल के जगह पे एक्स के भी देखने को मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एल क्या होता है, लोअर लिमिट होता है उस मॉडल क्लास के इंटरवल का। यानी कि मॉडल क्लास हम लोग फाइंड कर लिए, मॉडल क्लास के क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होगा वही हमारा एल होगा। H क्या होता है, जो मॉडल क्लास का या फिर किसी भी का जो विड्थ होता है, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं क्लास साइज जो होता है वही हमारा H होता है। F के होता क्या है, F के जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास का हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। यानी हम लोग मेरी मॉडल क्लास फाइंड किए, उस मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा F के रहेगा, और उस मॉडल क्लास का प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, उस मॉडल क्लास का प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हमारा एफ के माइनस वन होगा, और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी हमारा एफ के प्लस वन होगा। तो आइए फिर से एक बार मोड के फॉर्मूला को जानते हैं। तो एल प्लस एच एफ के यानी कि मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी माइनस मॉडल क्लास के पहले वाला फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टू इंटू मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी माइनस मॉडल क्लास के पहले वाला फ्रीक्वेंसी माइनस मॉडल क्लास के बाद वाला फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हम बस फॉर्मूला पे चीजों को पुट करके हम आसानी से यहाँ पे मोड को फाइंड कर सकते हैं किसी भी ग्रुप डाटा के। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन की मदद लेते हैं, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग मॉडल किसी भी फ्रीक्वेंसी का, तो आइए इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग किसी भी फ्रीक्वेंसी डाटा का हम लोग मोड निकालना सीखते हैं। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लास टेंथ के कुछ बच्चों का हाइट दिया हुआ है, और उस हाइट को क्लास इंटरवल के रूप में यहाँ पे ग्रुप के रूप में दिखाया गया, और उस ग्रुप वाले बच्चों का नंबर दिया गया है। जैसे कि बात करें 150 से 155 तक सेंटीमीटर वाले बच्चों का जो नंबर है वो 15 है, ऐसे ही अलग अलग सेंटीमीटर हाइट वाले बच्चों का नंबर दिया गया है, और यहाँ पे हमको इसका मॉडल हाइट फाइंड करना है, यानी इस हाइट का मोड फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, आपने देखा है कुछ देर पहले कि इसमें सबसे पहले हमें मॉडल ग्रुप को फाइंड करना पड़ेगा, मॉडल
ग्रुप बोले या मॉडल क्लास बोले, मॉडल क्लास को फाइंड करेंगे। तो मॉडल क्लास वो होता है जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि अगर इस फ्रीक्वेंसी में हम देखें तो 20 जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो क्लास होगा वो हमारा मॉडल क्लास होगा। अब मॉडल क्लास हम फाइंड कर चुके हैं, तो एक बार हम लोग मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि MO इक्वल टू L प्लस H इंटू FK माइनस 1 बाई 2FK माइनस FK माइनस 1 माइनस FK प्लस 1। आइए अब एक एक करके जितने भी यहाँ पे डाटा दिए हुए हैं उन सबका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो L इक्वल टू L जो है यहाँ पे इस मॉडल क्लास के क्लास इंटरवल का सबसे लोअर लिमिट है, यानी कि L जो हम कहें तो 160 हमारा L है। H की बात करें तो H जो है वो हमारा क्लास साइज है, इस क्लास इंटरवल क्लास का क्लास साइज है, यानी कि H इक्वल टू 5 हम ले सकते हैं। अगर बात करें FK, तो अभी हमने जाना कि FK उस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को FK हम बोलते हैं, यानी कि FK इक्वल टू 20। FK माइनस 1 यानी कि मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी, यानी कि मॉडल क्लास का ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी यानी कि 8। FK प्लस 1 यानी कि मॉडल क्लास के बाद वाला फ्रीक्वेंसी, यानी 20 के बाद वाला फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा 12। आइए यहाँ पे सारे डाटा को रखते हैं और फिर इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग मॉडल हाइट निकालते हैं, यानी मोड निकालते हैं। तो L इक्वल टू 160 प्लस 5 इंटू FK यानी 20 माइनस FK माइनस 1 यानी 8 बाई 2 इंटू 20। FK हमारा 20 हो गया माइनस FK माइनस 1 यानी हमारा 8 माइनस ये हो FK प्लस 1 इक्वल टू 12। अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो कुछ इस तरीके से आता है, यहाँ पे 12 बाई 40 माइनस 20 इट मीन्स 160 प्लस 5 इंटू 12 बाई 20 20 यानी यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर कैंसिल करें तो 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 160 प्लस 3 इक्वल टू 163। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो हमारा मोड निकल के आएगा, ये जो हमारा मोड निकल के आएगा वो हमारे मॉडल क्लास के क्लास इंटरवल के इन बिटवीन होना चाहिए, यानी कि उनके लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो मोड निकल के आया वो है 163। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि 163 जो होगा 160 से ज़्यादा होगा और 160 के 5 होगा, यानी इन्हीं दोनों के बीच में हमारा मोड लाई करता है। अगर ऐसा होता है तो आप सीधे तौर पे समझ जाइएगा कि हमारा जो हमने जो मोड निकाला है वो मोड सही है। तो ऐसे ही आसान तरीके से अगर बात करें पूरे स्टैटिस्टिक्स में तो मोड जो टॉपिक होता है वो सबसे आसान होता है, मोड को फाइंड करना, मोड के बारे में समझना, आप वो ग्रुप डाटा हो या फिर अनग्रुप डाटा हो, दोनों में हम मोड को आसानी से फाइंड करते हैं। तो आइए हम लोग अब समझते हैं इंपेरिकल फार्मूला के बारे में और इंपेरिकल फार्मूला से हम लोग कैसे कोई दो निकाल के तीसरे को फाइंड कर सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन थ्री मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी, यानी कि सेंट्रल टेंजेंसी के तीन मेजरमेंट जो होते हैं मीन, मीडियन और मोड, उनके जो रिलेशन होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो उनके रिलेशन क्या होते हैं कि 3 × मीडियन यानी कि 3 मीडियन जो होता है मोड प्लस 2 मीन के बराबर होता है। अगर ऐसे समझना हो, अगर इसको याद रखना हो तो सिंपल तरीके से कैसे याद रखेंगे कि मीडियन जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ड है, मीडियन जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ड है उसी में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे। मोड जो कि बोलने में जल्दी आसान होता है तो मोड में हम कुछ नहीं रखेंगे, मीन थोड़ा सा टाइम लगता है तो हम 2 रखेंगे। कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 = 1 + 2 यानी कि 3 मीडियन, मीडियन क्योंकि सबसे बड़ा है और मीडियन के बाद मीन बोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग लगता है, इसलिए 3 मीडियन = 2 मीन। अब बच क्या गया हमारा मोड, तो मोड को हम ऐसे रख सकते हैं। इसका मतलब ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन, अगर हम मीडियन निकाल लेते हैं और मीन निकाल लेते हैं तो हम उससे मोड निकाल सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हमारे पास मीन निकालने का ऑप्शन है तो हम निकालेंगे कि 3 मीडियन माइनस मोड बाई 2 जो होगा वो हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला होगा। ध्यान दें
कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन होगा जो आपको एक नंबर दिला के चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, अगला जो टॉपिक होगा वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो सेंट्रल टेंजेंसी के तीनों में से जो मिसिंग डाटा होगा, यानी मीन मीडियन मोड में जो मिसिंग डाटा होगा, उस मिसिंग डाटा को कैसे फाइंड करें, यानी कि मीन में कुछ मिसिंग डाटा होते हैं उन मिसिंग डाटा को कैसे फाइंड करें, मीडियन में कुछ मिसिंग डाटा होते हैं उसमें मिसिंग डाटा को कैसे फाइंड करें, तो उस पे अगला वीडियो होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।